कवि मैं कवि, काले रंग की मैं कवि, काएं काएं करती जाऊं, भजन चोरी करती जाऊं, मैं कवि काले रंग की मैं कवि। गोरी कवि पेड़ की डाल पर बैठी हुई गुनगुना रही थी, जब तोता उसके पास से गुजरता है। तोते कहाँ जा रहे हो? मैं कबूतर की दुकान से दूध लेने जा रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है आज मेरे घर, मैंने अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं अपनी बहन के लिए। अच्छा बताओ तो क्या क्या बनाना है? पालक पनीर, आलू मटर गोभी की सब्जी और आलू वाले चावल बनाने हैं। बहुत सेवा करूँगा मैं अपनी बहन की। ऐसे कहते हुए तोता आगे बढ़ता है। मोटी चोंच वाले तोते, मैं भी तो तेरी बहन जैसी ही हूँ, आज तो तुम मेरी ही दावत करोगे। गोरी कवि उड़ती है और सीधी तोते के घर जाती है। इधर उधर देखकर गोरी कवि तोते के घर में घुस जाती है। तरह तरह के खाने देखकर गोरी के तो मुंह में पानी आ रहा था। गोरी बिना सोचे खाना शुरू करती है। पालक पनीर की हंडिया तो गोरी पूरी ही खाली कर देती है और फिर उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। तोता और चिड़िया बाहर खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया हूँ, तुम मुझे चावल की खीर बना दो, मेरी बहन को चावल की खीर बहुत पसंद है। गौरी बातें सुनकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। चिड़िया और तोता घर में आ जाते हैं। चिड़िया तुम खीर बनाना शुरू करो, मैं आग जलाता हूँ। फिर चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। तोते वो गौरी कवि तो नहीं मिली कहीं? जब मैं दूध लेने जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आ रही है तो जल गई सुन के। जैसी वो ऊपर से काली है ऐसी ही उसकी सोच भी काली है। गोरी कवि अलमारी के पीछे सब सुन रही थी। चिड़िया चिड़िया ये क्या हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पालक पनीर बनाकर यहाँ रखा था, वो नहीं है, कहाँ गया मेरा पालक पनीर? तोते जल्दी से उस काली कवि के घर जाओ, जरूर वही चुरा कर ले गई होगी। तोता डंडा उठाकर गोरी कवि के घर जाता है। गोरी गोरी तुम कहाँ हो, बाहर आओ। तोते तोते क्यों शोर मचा रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी पत्नी मेरे घर से पालक पनीर चुरा कर ले आई है। वो तो सुबह से बाहर गई हुई है, अभी तक लौट कर नहीं आई, मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ था और गोरी कवि आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया गोरी को देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? अरे गोरी गोरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बाहर से तोता भी आ जाता है। पकड़ ली तोते, ये गोरी कवि तो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। चिड़िया मुझे जाने दो, ये मुझे बहुत मारेगा, प्लीज मुझे बचा लो। मैं भी कहूँ मेरा पालक पनीर किसने खाया है, देखता हूँ तुझे। तोता डंडे से गोरी कवि की खूब पिटाई करता है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये तो गोरी की आवाज है, ये कौन पीट रहा है उसे? जल्दी से कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और गोरी की आवाज के पीछे पीछे तोते के घर तक पहुँच जाता है। कालू कालू जी मुझे बहुत मारा है, इस तोते के बच्चे ने मुझे बहुत मारा है। बताओ फिर चोरी करोगी मेरे घर में? बड़ी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गोरी पत्नी जी को मारे? कवे भैया जब गोरी दूसरों के घरों में चोरियां करेगी तो ऐसे ही पिटेगी। निकल जाओ मेरे घर से दोनों। देख लूंगा तुझे मैं। कालू जी इसकी बड़ी चोंच ही तोड़ देना। कौवा और कवि गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अभी दो दिन ही गुजरे थे। गोरी को तो चोरी करने की आदत थी, उससे रहा कब जाता था। आज वो कबूतर चाचा की दुकान के पास जाकर बैठ जाती है। गोरी तुम बताओ क्या लेना है? कबूतर चाचा मैं अपने पति कालू कवे का इंतजार कर रही हूँ, वो पैसे लेकर आ रहा है। कबूतर अपने कामों में लग जाता है और गोरी आहिस्ता आहिस्ता से कबूतर के थैले से चावल निकाल निकाल कर अपने थैले में डालने लगती है। पीछे से बुलबुल आकर उसे देख लेती है। कबूतर कबूतर वो गोरी कवि तुम्हारे चावल चोरी कर रही है। कबूतर शोर मचाता है। चोर चोर पकड़ो चोर को। गोरी को पकड़ लेते हैं। चाचा कबूतर मुझे माफ कर दो। नहीं इस बार तुझे माफी नहीं बल्कि सजा मिलेगी। फिर कबूतर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आ जाती है। कबूतर चाचा मुझे खुद मार लो, डंडे से मार लो तोते की तरह,
मगर मुझे पुलिस को मत देना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। चोरनी, अब तो तू सारी उम्र जेल में गुजारेगी ताकि दूसरे पक्षी तुमसे सुरक्षित रह सकें। फिर पुलिस गौरी कवि को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है और गौरी कवि जेल चली जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल से गुड़िया की नानो भी उनके घर आई हुई थी। गुड़िया अपनी नानो की गोद में बैठी कहानियाँ सुन रही थी और मम्मा चिड़िया उनके लिए खिचड़ी बना रही थी। नानो नानो, फिर क्या हुआ? फिर वो आम का पेड़ गुस्से में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। कौवा नीचे गिर गया और पके हुए आम कौवे के दुम पर यूं लगे। गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। अच्छी सजा मिली नानो, कौवे को बहुत अच्छी सजा मिली। गुड़िया गुड़िया बेटी, डिब्बे में नमक नहीं है, जाओ पड़ोसन गोरी आंटी से थोड़ा सा नमक तो ले आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपनी नानों की गोद से निकलती है और पड़ोसी कवि के घर जाती है। आंटी आंटी, मामा ने भेजा है, मामा खिचड़ी बना रही थी कि नमक खत्म हो गया, आप थोड़ा सा नमक दे दे। खिचड़ी? गुड़िया, तेरी मम्मा तो बहुत स्वाद स्वाद की चीजें बनाती है ऐसी बारिश में। मम्मा मम्मा, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। चुप चुप कर जा, मुझसे नहीं बनती ऐसी बारिश में खिचड़ी। लो गुड़िया, तुम ये नमक ले जाओ। गुड़िया नमक लेकर घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा खिचड़ी बना लेती है। अभी वो गुड़िया और उसकी नानी को खिचड़ी परोसने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मुझे मेरा नमक वापस दे दो, मेरा भी प्रोग्राम बन गया है खिचड़ी बनाने का, मगर मेरे पास वही नमक था जो मैंने गुड़िया को दे दिया। जल्दी से तुम मेरा नमक मुझे वापस कर दो। गौरी बहन, ये क्या बात हुई? पड़ोसी पड़ोसियों से छोटी मोटी चीजें ले ही लेते हैं, वो नमक तो मैंने खिचड़ी में डाल दिया है। चिड़िया, अगर नमक खिचड़ी में डाल दिया है तो क्या हुआ? तुम मुझे मेरे नमक के बराबर खिचड़ी दे दो, हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारे जैसे लालची पड़ोसी तो किसी के ना हो। चिड़िया एक प्लेट खिचड़ी डालकर गौरी कवि को दे देती है। गौरी कवि खिचड़ी लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये गौरी आंटी बहुत बुरी है, कभी कोई दी हुई चीज भी ऐसे वापस लेने आता है। गुड़िया बेटी छोड़ो, ये कौवे होते ही ऐसे हैं। चलो हम खिचड़ी खाते हैं और कहानी फिर से शुरू करते हैं। जग्गू और उसकी मम्मा भी खिचड़ी खा लेते हैं। जब बर्तन खाली हो जाता है तो बाहर से जग्गू के पिताजी कालू कौवा आ जाते हैं। खिचड़ी चोरी चोरी, मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। कालू, घर में नहीं बनाई, वो तो बहुत मुश्किल से पूरी भली बनकर चिड़िया से लाई थी मैं। पापा, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। अगर चिड़िया ने तुझे खिचड़ी दे दी तो मुझे भी दे देगी। जग्गू जाओ और जाकर चिड़िया आंटी से खिचड़ी लेकर आओ। जग्गू खाली प्लेट लेकर फिर से घर से निकलता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है, मेरी नानो आ गई है, मम्मा ने कहा है थोड़ी सी खिचड़ी मेरी नानो के लिए भी दे दो। जग्गू बेटा, एक प्लेट भर कर तो आपकी मम्मा ले गई थी, अभी थोड़ी है खिचड़ी। रानो बेटी दे दो, पड़ोसी है और ऐसी बारिश में जग्गू की नानो क्या खाएगी। फिर गुड़िया की मम्मा जग्गू को एक प्लेट और भरकर खिचड़ी की दे देती है और जग्गू वो खिचड़ी लेकर जल्दी जल्दी से अपने घर चला जाता है। मैं ले आया पापा, मैं ले आया, मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला, मैंने कहा कि मेरी नानो आई है, मम्मा थोड़ी सी खिचड़ी मांग रही है। अरे अरे जग्गू, तू तो बड़ा होशियार निकला। मगर ये खिचड़ी मेरी है, मैं खाऊंगा। कौवा वो खिचड़ी खाने लगता है। कभी गोरी वो प्लेट अपनी तरफ खींचती, कभी जग्गू तो कभी कालू कौवा, वो लड़ झगड़ कर सारी प्लेट खाली कर देती हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू देखो बेटा, ऐसी बारिश में कौन आ गया है। जग्गू दरवाजा खोलता है। नानो आप? मम्मा मम्मा, नानो आई है, नानो तो सच में आ गई। जग्गू की नानो अंदर जाती है। माँ, तुम ऐसी बारिश में? मैं घर से निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। गोरी बेटी, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर गौरी परेशान हो जाती है। कालू, घर में तो कुछ है नहीं और चिड़िया से खिचड़ी तो पहले ही जग्गू की नानो का नाम लेकर खा ली है, अब क्या करें?
गोरी चिड़िया बहुत दयालु है, तुम फिर से चिड़िया के घर जाओ और चिड़िया से खिचड़ी मांग कर ले आओ। ट्राई करती हूँ मगर मुझे उम्मीद नहीं है अब चिड़िया मुझे खिचड़ी देगी। गोरी कवि फिर से चिड़िया के घर जाती है। गोरी तुम फिर से आ गई, नमक क्या लिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। चिड़िया मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, पहले जग्गू झूठ बोलकर खिचड़ी लेकर गया था कि मेरी नानो आई है, मगर मेरा विश्वास करो अब सच में ही जग्गू की नानो आ गई है, वो भूखी है। ये सुनकर गुड़िया और उसकी नानो हंसने लग जाती है। रानो बेटी दे दो थोड़ी खिचड़ी, तुम्हारी पड़ोसन ने नमक देकर खिचड़ी में हिस्सा जो डाल लिया है। फिर चिड़िया गोरी को एक प्लेट और खिचड़ी दे देती है, जिसे लेकर गोरी कवि बहुत खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और उसकी नानो उन कवों से ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि वो कवि तो थे ही ऐसे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।